कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा मेयर डॉक्टर उमेश गौतम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर है, घमंड का चश्मा पहने हुए है। देश के महापुरुषों का अपमान करने वाला देशभक्त नहीं हो सकता है। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, प्रतिमा पुनः स्थापित करा दी जाएंगी। अगर प्रतिमा 30 नवंबर तक स्थापित नहीं की गई तो 1 दिसंबर से आमरण अनशन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश महासचिव ओमवीर यादव ने कहा कि देश को आज़ाद कराने के लिए महापुरुषों ने लड़ाइयां लड़ी, जेल में बंद रहे, तब देश को आज़ादी मिली और आज हम आज़ाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं। ये उन्हीं महापुरुषों का त्याग और बलिदान है। महापुरुषों को भूलना देश अपमान है। मतलब जी, आपका 5 तारीख से अनशन शुरू हुआ था और महापौर जी कह रहे हैं कि 4 दिन बाद हमारी जानकारी नहीं है, इससे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेयर साहब को तो कोई जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी नहीं किस पार्टी में कौन नेतृत्व करता है, उनको ये भी पता नहीं मूर्ति कहाँ से आती है, उनकी नाक के नीचे पड़ जाती है। उनके जो जवाब आ रहे हैं वो बहुत गलत और संबंधनशील उनके जवाब आ रहे हैं। मैं मेयर साहब से आप लोगों के माध्यम से भी लगातार जानकारी हो रही है, और वो उनको जानकारी होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नशे में, सत्ता के नशे में चूर, उन पर जो चश्मा लगा है वो सत्ता का चश्मा लगा है, इसलिए उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश के 9-10 साल अपने जेल में बिताए और अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दी, ऐसे महापुरुष का अपमान होता है, उनको वो ये भी नहीं दिखता है, तो उनको कोई जानकारी नहीं, तो इसके लिए कोई उसकी बात नहीं। लेकिन अब उनको शायद जानकारी हो गई होगी। हम कांग्रेस के लोग गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, इसको लेकर उनका जवाब है, और प्रशासन ने हमें लिख के दिया है, आश्वस्त हैं कि यहाँ हर हालत में नवंबर में मूर्ति का पुनर्स्थापना हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो 1 तारीख से फिर हम लोग अमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं तमाम मीडिया के साथियों का, सामाजिक संस्थाओं का, जो हमारे इंडिया अलायंस की पार्टियाँ, उनका समर्थन हमें हासिल हुआ, मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया के चौथे स्तंभ को धन्यवाद देता हूँ, आप तमाम साथियों ने जो मजबूत लड़ाई हमारी आपकी वजह से हुई, इस लड़ाई की मुहिम में आप लोगों ने साथ दिया और हम ये लड़ाई जीते, निश्चित तौर पर आपको बधाई है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आज हम अपने प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रेस वार्ता पर आए हुए हैं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि पिछले 8 दिन से हमारा आमरण अनशन चल रहा था 5 नवंबर से, और लगातार हम लोग एक मांग पर अड़े हुए थे कि जो नेहरू जी की प्रतिमा वहां स्थापित थी वह पुनर्स्थापित की जाए। तो कल स्मार्ट सिटी के सीईओ और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, सिटी मजिस्ट्रेट, अपर नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी के एसईओ क्षेत्राधिकारी ने आके लिखित आश्वासन दिया कि वही मूर्ति उसी स्थान पर नेहरू जी की नवंबर माह के अंत से पहले स्थापित कर दी जाएगी। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें आशीर्वाद दिया। मीडिया के सभी साथियों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, इस शहर के और देश के तमाम समाजसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ, प्राइवेट संगठन, निजी व्यक्ति, निजी संस्थाओं के जो हमें समर्थन प्राप्त हुए, उन सभी को हृदय से धन्यवाद। तो हमने अपना अनशन 30 नवंबर तक स्थगित किया है। यदि 30 नवंबर तक प्रतिमा स्थापित नहीं हुई तो पुनः 1 दिसंबर से वहीं पर आमरण अनशन प्रारंभ होगा। जब आपने आमरण अनशन पर बैठे थे वहाँ पर स्थितियाँ खराब हुई, स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, आप कह रहे फिर जांच चली, क्या लगता है कि वो जांच खानापूर्ति होगी या वाकई पूरी जांच होगी? जांच हुई, डिप्टी सीएमओ अजमेर सिंह अपनी टीम के साथ प्रतिदिन आते थे, हमें भी लिखित में उसकी कॉपी प्रदान की जाती थी, वो कॉपी शासन को भी गई, प्रशासन को भी गई। हमारे साथियों में हमारे उपाध्यक्ष दिनेश दत्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी साहब और उल्फत कठेरिया साहब के, जब स्वास्थ्य के कुछ आंकड़े गड़बड़ हुए और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 14 नवंबर को बरेली में नेहरू जयंती बाल दिवस पूरी कांग्रेस के साथ मनाने का जब आवाहन कर दिया, तो इस शासन और प्रशासन के हाथ पांव फूले और उसके बाद यहाँ पर तत्काल हमें आश्वासन दिया गया। हमने अपने साथियों के स्वास्थ्य और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर वह अनशन स्थगित कर दिया।
कल 14 तारीख है, कार्यक्रम कहाँ होगा आपका? 14 तारीख को हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों ने घोषणा कर दी है, वहीं पर 11:30 बजे नेहरू जी का चित्र हमने 5 नवंबर को ही वहां स्थापित कर दिया था। नेहरू जी का चित्र प्रतिमा के स्थान पर स्थापित है, हमने वहां कैंडल्स भी जलाए, वहीं पर कल हम 11:30 बजे नेहरू जयंती और बाल दिवस मनाने जा रहे हैं। 30 तारीख तक मूर्ति लगाने का आपको आश्वासन दिया गया है कि नई मूर्ति लगेगी या पुरानी मूर्ति लगेगी? आश्वासन में पुरानी मूर्ति उन्होंने लिख के दिया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वही पुरानी मूर्ति लगेगी। अच्छा, तो पुरानी जो नई मूर्ति है, वो जो मूर्ति वहाँ पाई गई थी, आप वहाँ पर तमाम लोग गए थे और वो कूड़े के ढेर में पड़ी, एक सम्मानित नेता होने के नाते अब तक क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उस मूर्ति के संदर्भ में हमने राष्ट्रद्रोह 2 का मुकदमा दर्ज कराने को हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने हम सारे अनशनकारियों की तरफ से तहरीर दी थी, लेकिन इस प्रशासन ने अभी तक वो FIR दर्ज नहीं की है। अब हम विधिक कार्यवाही करते हुए 156(3) के तहत उस FIR को दर्ज कराएंगे। अभी कोई भी उस मूर्ति की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और अब हम अपने शीर्ष नेतृत्व से निर्देश लेंगे, उसके बाद उस नई मूर्ति के संदर्भ में कदम उठाएंगे। 2-3 महीने वो मूर्ति खबर के माध्यम से आपको बताया गया था कि वहाँ पर पड़ी है, तब से आप कहाँ? हमें कोई ऐसी सूचना नहीं प्राप्त हुई, हम तो आमरण अनशन पर जब बैठे मूर्ति के लिए, तब यह प्रश्न आया कि मूर्ति वहाँ पर कोई पड़ी हुई है, देखा तो वह नेहरू जी की ही मूर्ति थी। देखिए, हमारे जावा साथियों ने जिस तरीके से भूख हड़ताल करी, वो निजी हड़ताल नहीं थी, वो देश के एक हमारे ऐसे भारत रत्न हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी प्रतिमा मुझे ध्यान है 1982 में ये प्रतिमा लगी थी और इसको लाने के लिए कांग्रेस का रिज्यूम था और राम सिंह खन्ना यहाँ पर मिनिस्टर हुआ करते थे, तो 5 लोग की एक कमेटी पूरी गई थी जिसमें अब्दुल रहमान अस्थर, विद्याभूषण, लोकपति त्रिपाठी साहब और ये सब लोग गए थे और बच्चा पाठक जी, इन सब ने जाके उस मूर्ति का खरीदने की बात करी और इस मूर्ति को लाया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मूर्ति का जो अनावरण था वो हमारे पूर्व जो पूज्य हमारे कांग्रेस के राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इसका अनावरण किया था, मगर इस मूर्ति को हटाने के बाद जिस तरीके से जो कार्रवाई राजनीतिक तरीके से कर गई, गलत करी गई, हम कांग्रेस के सभी लोग, कांग्रेस जन इसका घनघोर तरीके से हम लोगों ने विरोध किया और प्रशासन और शासन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों का, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे अन्य अलायंस के लोगों का कि जिन्होंने हम लोग को भरपूर हमारी मदद की। जो नई प्रतिमा आई है, किसके द्वारा आई है, कहाँ से आई है, कहाँ मिली, इसको लेकर के कूड़े ढेर पड़ी, इसको लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, आप तो ये जान सकते हैं ये बदले की भावना से काम करा जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग अगर ये प्रतिमा लाए हैं तो कहाँ लगाएंगे? ये प्रतिमा यही लगाने के लिए लाए थे, मगर अब दुर्भाग्य ऐसा है कि वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं जो कांग्रेस के रिज्यूम में हमारी प्रतिमा आई थी, उस प्रतिमा को लगाएं, अगर नहीं लगाएंगे तो इसके बाद हम लोग का अनशन 1 दिसंबर से हम लोग का ये अनशन फिर चालू हो जाएगा। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में ये 5 तारीख से जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही थी उसका समापन कल हुआ। उसमें बरेली के जो अधिकारी थे नगर निगम के, वो आए, CO साहब आए और अधिकारी आए, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि 30 तारीख तक ये नवंबर माह में ये मूर्ति हम स्थापित कर देंगे। उसके बाद में तमाम सारे मुद्दे आज भी खड़े हैं कि भाई ये जो हमारे अनशनकारी थे इनको कुछ भी हो सकता था 8वें दिन तक, ऐसा क्या प्रेशर था इन अधिकारियों पर, ऐसी क्या मजबूरी थी इन अधिकारियों की कि दूसरे दिन या तीसरे दिन नहीं आए, और नेहरू जी की मूर्ति हटाने का इनका निर्णय क्या गलत नहीं है? नेहरू जी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम नेहरू जी ने किया, अपने जीवन के 9-10 साल अपने जेल में बिताए, क्या वो बरेली नहीं थी जिसकी लड़ाई लड़ी? बरेली हिंदुस्तान में नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी के पूर्वजों की लड़ाई नहीं लड़ी?
क्या हमारे यहाँ के जो मेयर हैं उनके पूर्वजों की लड़ाई नहीं लड़ी, उनको आज़ाद नहीं कराया? क्या ये सब लोग अलग अलग थे जब देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी? नेहरू जी ने पूरे देश का नेतृत्व किया, पूरे देश के प्रधानमंत्री रहे, अलग अलग तरह की उपलब्धियाँ हमारे देश को उन्होंने निर्मित करके दी, उसके बावजूद ऐसे पूर्वज का अपमान होना पूरे देश का अपमान है। मैं निश्चित कह सकता हूं मीडिया के माध्यम से, अगर बीजेपी के लोग चाहते हैं कि नेहरू का अपमान करें, इंदिरा का अपमान करें या अन्य किसी पूर्वज का अपमान करें, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का अपमान करें, निश्चित तौर पर वो देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, वो हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, देश की जनता की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं।